दोस्तों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को हम वास्तविक संख्याओं का नाम देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब वास्तविक संख्याओं में पहले है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं पर हम कुछ संक्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कि क्रम विनिमय की संक्रिया हो गई, साहचर्य की संक्रिया हो गई और बंटन नियम। ये तीन प्रकार की संक्रियाएं हमने पढ़ी है पहले पिछली कक्षाओं में। और हमने परिमेय संख्याओं के संवृत गुण के बारे में भी पढ़ा है। संवृत गुण का मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, गुणा करने पर और भाग करने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब बस भाग करने पर जो संख्या हो भाग देने वाली जीरो या शून्य नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार अपरिमेय संख्याओं में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि अपरिमेय संख्याओं में अपन संक्रियाएं करवाएं तो जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पर अपरिमेय संख्याओं के नियम मतलब संवृत नहीं होते हैं। संवृत इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को अपन जोड़े, जैसे अंडररूट 2 प्लस अंडररूट 2 जोड़ा या अंडररूट 2 माइनस अंडररूट 2 किया, तो इनमें फिक्स नहीं रहता है कि अपने को एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। तो अंडररूट 2 और अंडररूट 2 को जोड़ेंगे तो अपने पास 2 अंडररूट 2 प्राप्त हुआ है, ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडररूट 2 में से अंडररूट 2 घटाएंगे तो अपने को 0 प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय संख्या है उनमें संवृत वाला गुण नहीं होता है। तो हम अब जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है उन पर कुछ संक्रियाएं करवा के देखते हैं कि अपन को कौन सी संख्याएं उनपे संक्रियाएं करवाने के बाद में प्राप्त होती है। जैसे जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग करने पर अपन को किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो सकती है उनको देख लेते हैं। एक बार कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं और उदाहरण। तो उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। अंडररूट 2 प्लस 21, अंडररूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अपन 21 जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। मतलब एक अपरिमेय संख्या में अपन परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो उसका उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। दूसरा है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। 2 अंडररूट 2 प्लस 5 अंडररूट 3 प्लस अंडररूट 2 माइनस 3 अंडररूट 3, स्क्रॉल करके देखते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 अंडररूट 2 प्लस 5 अंडररूट 3 प्लस अंडररूट 2 माइनस 3 अंडररूट 3। 2 अंडररूट 2 प्लस 5 अंडररूट 3 प्लस अंडररूट 2 माइनस 3 अंडररूट 3, ब्रैकेट ओपन करने पर अपन को ये प्राप्त हुआ। तो 2 अंडररूट 2 में 1 अंडररूट 2 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3 अंडररूट 2। 5 अंडररूट 3 प्लस का है और 3 अंडररूट 3 माइनस का है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो अंडररूट वाली संख्या है उसमें उसी प्रकार की अंडररूट वाली संख्या जोड़ सकती है या घट सकती है। तो 5 अंडररूट 3 में से 3 अंडररूट 3 जाएंगे तो अपने पास बचेगा 2 अंडररूट 3, 2 अंडररूट 3। तो ये जो संख्या है ये भी क्या है, एक अपरिमेय प्रकार की संख्या है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जोड़ने या घटाने पर दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जोड़ या घटाएंगे उनको तो अपन को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। गुणा करके देखते हैं, 6 अंडररूट 5 इंटू 2 अंडररूट 5, तो 6 को और 2 को गुणा करा लेते तो अपने पास आ जाएंगे 12 गुणा 1 अंडररूट 5 और 1 अंडररूट 5 ये, इन दोनों को गुणा कराएंगे तो अपने पास सिर्फ 5 आएगा, तो इनका अंडररूट हट जाएगा। तो 12 को 5 से गुणा कराएंगे तो आया अपने पास 60। 60 के क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 8 अंडररूट 15 को 2 अंडररूट 3 से भाग दीजिए। तो अपन भाग देके देख लेते हैं। 8 अंडररूट 15 बटा 2 अंडररूट 3, तो इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुणा अंडररूट 15 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, अंडररूट 5 गुणा अंडररूट 3, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणा अंडररूट 3। तो अंडररूट 3 से अंडररूट 3 एक बार भाग चला गया, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो अपने पास जो आंसर आएगा 4 अंडररूट 5, 4 अंडररूट 5।
तो ये क्या एक अपरिमेय संख्या अपन को प्राप्त हुई है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो जोड़ने या घटाने पर दो, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपन को हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, लेकिन गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो अपन को अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है। इनमें कोई फिक्स नहीं है, अपन को परिमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है। तो हमने जो पिछले कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं उनको हल करने के बाद अपन को अपन कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। पहला पॉइंट है, उनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो पहला निष्कर्ष है वो आया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, यानी उनको जोड़ना या घटाना क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जोड़ने या घटाने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक अपरिमेय संख्या के साथ, यानी पहली जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, के साथ एक शून्येतर संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर यानी जो शून्य नहीं है, यानी नॉन जीरो संख्या, नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। यानी जैसे मैं लिखूं एक संख्या तो अंडर रूट में ले ली, तो ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके साथ अगर मैं दो लिख देता हूं तो दो अंडर रूट 3 हो गया, तो ये संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2/√3 तो भी क्या होगी, ये कि अपरिमेय संख्या होगी। यानी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, इसमें जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा वाली संख्या। तो 2√3 हो गया तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, 2/√3 होगा तो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी एक अपरिमेय और एक परिमेय, जहां पे जो परिमेय है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तीसरा निष्कर्ष निकालते हैं अपन इससे, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी दो अपरिमेय संख्याएं उनको अपन जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, तो परिणाम क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये समवर्त गुण का पालन नहीं करती। हमारा अगला टॉपिक है हर का परिमेयकरण। यानी जैसे कोई संख्या है 2/√3, अब ये नीचे वाली जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसी कोई सी भी संख्या हो जिसमें जो बटा वाली संख्या है, यानी नीचे हर वाली संख्या है, एक ऊपर वाली जो होती है वो अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो जो नीचे वाली संख्या है उसको अपन को किसमें बदलना है, नीचे वाली संख्या जो हर है उसका क्या करना है अपन को, परिमेयकरण। यानी जो ये संख्या है इसको अपन को बदलना है एक परिमेय संख्या में। तो अपन उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो अपन आगे वाले उदाहरणों में समझेंगे। जैसे अपन ये इसी संख्या को करके देख लेते हैं, तो 2/√3 है, 2/√3, तो अंडर रूट 3 को मैं, ये जो नीचे वाली संख्या अंडर रूट 3, इस संख्या को मैं किस संख्या से गुणा कराऊं कि जो ये वाली संख्या है ये क्या हो जाए, एक परिमेय संख्या बन जाए। तो अपन इसको गुणा करा सकते हैं, अंडर रूट 3 को मैं अंडर रूट 3 से ही गुणा कराऊं तो ये क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी नीचे वाली जो हर है। ऊपर वाली संख्या को अपन किसी भी संख्या में रख सकते हैं, परिमेय या अपरिमेय उससे फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्या करना है, जो हर है उसी को परिमेयकरण करना है, यानी उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, बनाना है। तो 2 को गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से तो अपने पास संख्या हो जाएगी 2/√3, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास संख्या हो जाएगी 3। तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार से अपन हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कुछ और उदाहरण से समझते हैं अच्छे तरीके से। तो आगे हम ये दो उदाहरणों से समझते हैं, इनको हल करके देखते हैं, इनके हर का परिमेयकरण करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। 1/2+√3 ये संख्या है, इसको अपन को हर का परिमेयकरण करना है। तो संख्या लिख लेते हैं 1/2+√3। अब ये जो संख्या है इसको किससे गुणा करा सकते हैं, अब
ताकि ये जो नीचे वाली संख्या है वो क्या हो जाए, एक परिमेय संख्या बन जाए। तो आपने एक सर्वसमिका पढ़ी होगी a प्लस बी और a माइनस बी। इस सर्वसमिका का जो मान होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब जो पहली संख्या उसका स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी संख्या का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या में बन जाएगी। तो अपन इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको किससे गुणा कराएंगे, प्लस में तो अपने पास है तो किससे गुणा कराना है, अपन को माइनस वाली संख्या से गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराते हैं दो माइनस अंडर रूट तीन से, दो माइनस अंडर रूट तीन से। तो एक को दो माइनस अंडर रूट तीन से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, दो माइनस अंडर रूट तीन ही आएगा। दो प्लस अंडर रूट तीन और दो माइनस अंडर रूट तीन, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के तरीके से होगा, यानी पहली संख्या का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर क्या होगा, चार माइनस माइनस का चिन्ह। अंडर रूट तीन को अंडर रूट तीन से गुणा करेंगे यानी अंडर रूट तीन का स्क्वायर क्या होगा, तीन। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दो माइनस अंडर रूट तीन बटा एक। तो ये जो संख्या है ये क्या आ गई, इसका जो हर है उसका परिमेयकरण हो गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एक एग्जाम्पल है, पांच बटा अंडर रूट तीन माइनस अंडर रूट पांच के हर का परिमेयकरण कीजिए। अभी ये जो संख्या है इसको करते हैं अपन हल, इसके हर का परिमेयकरण करते हैं। पहले लिख लेते हैं संख्या पांच बटे अंडर रूट तीन माइनस अंडर रूट पांच। अब इस संख्या को किससे गुणा कराएं, ये संख्या है माइनस में, तो मैं अगर इसको प्लस में गुणा करा दूं तो इस वाली संख्या का और इस संख्या का दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें सर्वसमिका लग जाएगी अपने पास ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी वाली। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। तो इसको मैं गुणा करा देता हूं अंडर रूट तीन माइनस अंडर रूट पांच से, माइनस में प्लस, तो अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट पांच से। तो पांच को इससे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा अपने पास, पांच ब्रैकेट में अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट पांच और बटा में हो जाएगा ए का स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इसको क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी अंडर रूट तीन का स्क्वायर क्या होगा, तीन, माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट पांच का स्क्वायर क्या होगा, पांच। तो इसका आंसर आया अपने पास पांच ब्रैकेट में अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट पांच बटा में, तीन में से पांच गए तो माइनस दो। तो ये जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया, यानी हर का परिमेयकरण हो गया। तो इस तरीके से अपन हर का परिमेयकरण कर सकते हैं।